लेकिन बहरहाल हिजब तहरीर ने अगर इस तरह का मामला किया तो मेरे नजदीक ये उनकी मजबूरी है, इसलिए कि आलम अरब में जहां इन्होंने अब तक काम करने की कोशिश की वहां हुकूक हासिल नहीं, वहां जमहूरी हुकूक का नाम नहीं, लिहाजा वो गोया कि एक मजबूरी का रास्ता भी हो क्या करें। जैसे सऊदी अरब में 1979 में क्या हुआ था, वो निहायत नेक लोग थे, वो सलफी लोग थे, बड़े गहरे मजहबी मिजाज के लोग थे, लेकिन यह कि जब इख्तलाफ राय का मौका ही नहीं, ना आप कोई तंजीम बना सके, ना जमात बना सके, ना लोगों को हम ख्याल बना सके, तो आखिर क्या करेंगे? फिर कोई ना कोई जो है इसी किस्म का धमाका होगा, कोई ना कोई एक्सप्लोजन होगा, कोई इसी किस्म की जो है गैर फित्री सी सूरत हाल पैदा होगी। तो यह मामला दर हकीकत मेरे नजदीक अगर उनके तरीकेकार में है तो मैं इसे इस एतबार से इसकी तौजीह कर रहा हूं। देखिए मेरा अंदाज जो है वो यही है कि मैं उनकी हर बात पर तनकीद और बुराई बयान करने की बजाय मैं उनकी जिन चीजों की तौजीह हो सकती हूं, हिजब तहरीर नाम की तौजीह मैं कर रहा हूं कि लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के हवाले से 1953 में कायम हुई है, इसलिए नाम ये रखा गया। ये उनकी किसी किताब में मैंने नहीं देखा। इसी तरीके से यह मामला कि उन्होंने तलब नुसरत में फौजी जो ऑफिसर हैं उन्हें ज्यादा मुकदम रखा है, यह मैं समझता हूं कि मखसूस हालात जो है अरब ममालिक के कि वहां या तो मलूकियतें हैं या फौजी आमरियतें हैं, तो इस हवाले से शायद उन्होंने ये तरीकेकार रखा हो। बहरहाल मेरे एतबार से ये तरीकेकार गलत है। सुभान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह वला